चलो लेट्स स्टार्ट विथ सितंबर 2022 पेपर क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक रीड करो। चलो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज अ पोर्टफोलियो ऑफ आइडेंटिकल सिंगल प्रीमियम एंडाउमेंट अश्योरेंस विद अ कंबाइंड सम अश्योर्ड ऑफ 1.5 मिलियन। आइडेंटिकल सिंगल प्रीमियम बोला है। द आउटस्टैंडिंग टर्म ऑफ द पोर्टफोलियो इज 20 इयर्स। द एंडाउमेंट अश्योरेंस डेथ बेनिफिट इज पेबल एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ। द एंडाउमेंट अश्योरेंसेस वर पेड फॉर बाय सिंगल प्रीमियम एट द आउटसेट ऑफ द पॉलिसीज। द करंट एज ऑफ द पॉलिसी होल्डर इज 30 एग्जैक्ट। द कंपनी होल्ड्स 3 assets टू मीट इट्स लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। द बेसिस यूज बाय द कंपनी टू वैल्यू इट्स लाइबिलिटीज टूगेदर विद डिटेल्स, सब कुछ दिया हुआ है बेस वर्कशीट में। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इंश्योरेंस कंपनीज पोर्टफोलियो ऑफ एंडाउमेंट अश्योरेंसेज एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स हेल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। सो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एंडाउमेंट अश्योरेंस का एंड ऑफ ऑल द एसेट्स, तीनों एसेट्स जो है ए बी सी उन सबका। तो क्या बोला है देखो, पहले तो ये वाला देख लेते हैं बेस वर्कशीट में क्या क्या गिवन है। सो वी हैव क्यू एक्स का वैल्यू गिवन है, मोर्टेलिटी रेट्स बेसिकली, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। एसेट ए बी एंड सी इस पे आएंगे हम लोग, इसको रीड कर लेंगे बाद में। 1 एंड 2 साथ में करने बोला है। सेकेंड वाला डिटरमाइन द वोलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो ऑफ एंडाउमेंट अश्योरेंसेज एंड द वोलेटिलिटी ऑफ द टोटल एसेट्स इन द पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये हम लोग को अपने आप देखो इन्होंने एज दे दिया है। सो वी विल स्टार्ट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि शायद वो होगा ना कोई भी एक एसेट शायद 25 इयर्स का है इसीलिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो हम लोग को एंडोमेंट अश्योरेंस का निकाल लेते हैं। तो एंडोमेंट अश्योरेंस के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिएगा, ईयर के एंड पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो मरने का प्रोबेबिलिटी, डिस्काउंटिंग फैक्टर उस टाइम तक जिंदा रहने का एंड फिर वो मरने का, वैसा वाला चीज पूरा। तो लेट्स डू वन थिंग, पहले डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, क्योंकि ये डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको सब में चाहिए। अब नाउ दे हैव मेड हाफ ईयरली, बिकॉज एक बार एसेट्स अगर हम लोग क्विकली गो थ्रू करें, एसेट ए है 55,000 नॉमिनल ऑफ अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड विद आउटस्टैंडिंग टर्म ऑफ 20 इयर्स। एसेट ए इज रिडीमेबल एट 105, तो ये हो गया आपका 20 इयर्स आउटस्टैंडिंग है, 55,000 नॉमिनल है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड है एंड पेज कूपन ऑफ 1% पर एनम, हाफ ईयरली मिल रहा है इसका कूपन। द नेक्स्ट कूपन ड्यू इज इन एक्सैक्टली 6 मंथ, तो अभी हम लोग जो खड़े हैं 6 मंथ्स के बाद मिलेगा। अ जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 3 लाख जो 10 इयर्स का है एंड जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ 25 इयर्स, तो ये हम लोग को 3 assets दिया हुआ है, वेरी सिंपल। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर वेन यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो ये आपका सिंपली 1 हो जाएगा, या फिर आप ले लो डायरेक्टली इधर से 1 प्लस 6%, मेक इट एब्सोल्यूट होल टू द पावर माइनस ऑफ टाइम एंड यू ड्रैग। ठीक है, ये आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी कि वो उस साल मर जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस Q30 निकाल लो, या फिर यहां लिख लेते हैं Qx। तो Qx क्या है, एज 30 इज दिस, बट वी लुकअप करोगे तो जहां पे ये वाला वैल्यू है एरर आएगा, तो इफ एरर भी यूज करना पड़ेगा। इससे बेटर आई थिंक इन दोनों को मिला के अगर हम ड्रैग करें,
तो वर्क करता है क्या, बस मुझे वही देखना है। 0., नहीं नीचे चल जाएगा। ये आपका B14 है, ये B16 हो जाएगा। इन्होंने कैसे किया? नहीं, अपने इसको ऐसे कर सकते हैं, वी लुकअप करो। अगर तुम लोग को इफ एरर का फंक्शन पता है, देखो वी लुकअप अगर करते हैं एज कॉमा, एक बार देख लो, मैं सिखा देती हूँ। ये पूरा चीज है, F4,2,0, ठीक है। अब क्या होगा ना, ये आपका आ गया। अब जब आप ड्रैग करोगे तो आपका ना ये एने एने आ जाएगा, जहां जहां वैल्यूज नहीं मिला। 30.5 का उसको नहीं मिलेगा 31। तो यहाँ एक इफ एरर फंक्शन समझ लो, बहुत इजी होता है। अगर कहीं भी एरर आता है, इफ एरर देखो क्या होता है, इफ एरर में पहले होता है वैल्यू, तो ये हो गया आपका वैल्यू। अगर वो वैल्यू एक एरर थ्रो कर रहे हैं, तो उसके बदले आपको क्या आउटपुट चाहिए, वो होता है इफ एरर। तो लेट्स सपोज हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, वी नीड अ ब्लैंक, ये होता है इफ एरर बेसिक। क्या वैल्यू है, अगर वो वैल्यू एरर दे रहा है तो आपको क्या चाहिए, ठीक है। नाउ इफ आई ड्रैग दिस, तो आपका इधर अपने आप ब्लैंक आ जाएगा, ठीक है। बट इफ एरर आई थिंक आईए स्टूडेंट शुड नो, क्योंकि उनके में आई गेस यूज होता है कभी कभी। ये हो गया आपका क्यू एक्स, एक बार देख लो। क्यू एक्स के बाद हम लोग को चाहिए एन एन -1 पी एक्स, ठीक है। तो एन -1 पी एक्स मतलब तब तक जिंदा था एंड फिर मर गया। तो ये वाला आप 1 ले लोगे, ये वाला आप क्या लोगे, इसका मतलब है, नहीं इसका मतलब है इसका मतलब है 1 माइनस। एक्चुअली ना यहाँ ब्लैंक आएगा, यहां से आपका एक्चुअल स्टार्ट होगा, क्योंकि ये देखो ना टाइम 0 है। एंड ये जो हमने वैल्यू उठाया ना, ये हमने Q30 का उठाया, याद रखना। तो यहां का क्या मतलब होगा कि पहला साल जिंदा रहा, दूसरा साल मर गया, नहीं सॉरी। हाँ तो इसमें हम लोग क्या, नहीं इसमें 1 नहीं आएगा, इसमें फर्स्ट ईयर जिंदा रहने का लेंगे ना खाली, तो 1 माइनस दिस हो जाएगा। ठीक है, तो तुम एक काम करो ना, नहीं यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 1 इसीलिए आएगा क्योंकि आप पहला साल खाली मरने का प्रोबेबिलिटी लोगे, दूसरे साल से आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये हो गया 1 माइनस 1 पी एक्स, ये आपका टाइम एन है ना, इधर एन लिख लो तो अब समझ आएगा। 1 1 -1 पी एक्स मतलब 0 पी एक्स, 0 पी एक्स मतलब 1, 0 टाइम में मरने का प्रोबेबिलिटी इज 1, सॉरी जिंदा रहने का प्रोबेबिलिटी इज 1। तो ये वाला हो जाएगा दिस इंटू 1 माइनस ये वाला, ये हो गया पहला साल जिंदा रहना। एक्चुअली तुम लोग को पता है क्या करना चाहिए, आइडियली आइडियली तुम लोग को यहाँ पे क्यू एक्स -1 लो और यहां से स्टार्ट करो Q30, क्यू वैसे निकालना तो समझ में आएगा। बट ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला साल जिंदा रहा मतलब पहला टाइम 0 पे जिंदा रहा इज 1, पहला साल जिंदा रहा इज वॉट, 1 माइनस Q30 ना, दिस इज एन -1 पी एक्स विच इज 2 -1 पी एक्स विच इज 1 पी एक्स। अब मेरे को देखना है कि इसको हम ड्रैग कैसे करेंगे। आई आई सही आएगा। अब मैंने क्या किया देखो, मैंने यहां पे लिखा फॉर्मूला, फिर मैंने इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट किया, पहले ब्लैंक और फिर ऐसे।
एंड फिर इसको आप ड्रैग करेंगे लास्ट तक। ये यहाँ पे रुक क्यों गया था जाके? हाँ अच्छा, 20 ईयर्स का इंश्योरेंस ऐसा है? ठीक है, तो इसके बाद एनीवेज इसको भी हटा दो। कुछ गलत किया है तुम लोग एफ एरर स्टेटमेंट में। क्लियर है? हाँ, वो वी लुकअप का पार्ट है ना। वी लुकअप का अलग है, इफ एरर अलग हो गया। ठीक है, डन। अब इसके बाद एक बार देख लो। अब एंडोमेंट अश्योरेंस है, एंडोमेंट अश्योरेंस कब कब मिलता है? डेथ पे और नहीं, पैंट्री में। या तो डेथ पे मिलता है या मैच्योरिटी पे मिलता है। तो हम लोग अब कर लेंगे। कोई सा भी दे दूं, थैंक यू। जल्दी आ, जल्दी आ। डेथ बेनिफिट, डेथ बेनिफिट बोलो। तो हम लोग को फर्स्ट डेथ बेनिफिट टाइम 1 पे मिलेगा, क्योंकि हमने टाइम लिया है, ईयर नहीं लिया है। तो ये जो टाइम है इधर, कितना का डेथ बेनिफिट इधर पे है? क्या लिखा हुआ बेस में? नहीं ना, तो यहाँ ऊपर लिख दो। कितना का? 1 मिलियन। तो एंडोमेंट अश्योरेंस बेनिफिट 1.5 मिलियन, मतलब कितना जीरोस? 1, 2, 5 है ना। तो क्या होगा बताओ, कहाँ से स्टार्ट होगा? यहां से स्टार्ट होगा, टाइम 1 से स्टार्ट होगा। और टाइम 1 पे क्या मिलेगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ईयर का इनटू प्रोबेबिलिटी कि वो उस साल मर गया, मतलब ये वाला Q30। हाँ, Q30 इनटू अमाउंट इनटू कि उस, मतलब ये जिंदा वाला चीज। ठीक है, अब इसको कैसे ड्रैग करेंगे? इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगी, तुम लोग देख नहीं रहे। फिर तुम लोग पता है आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेगा कैसे करना है, और जस्ट ड्रैग। सर्वाइवल पे भी मिलना है। सर्वाइवल पे कैसे निकालेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू खाली जिंदा रहने वाला, पूरा 20 ईयर्स तक जिंदा रहा, इनटू अमाउंट। और एक चीज और मिस आउट हो रहा है, वो ये है कि ये जो जिंदा रहने का है, ये है 19 P एक्स, ये वाला N-1 PX निकाले हो। तो लास्ट ईयर का प्रोबेबिलिटी भी तो लेना होगा, 1 माइनस दिस। नहीं, उससे ऊपर वाला, समझा? ये जो वैल्यू है, ये तुम लोग का 19 PX है, तुमको 20 PX लेना है ना, पूरा 20 ईयर का एंड पे जिंदा रहने का। तो ये वाला हो गया 19 PX इंटू 1 माइनस क्यू, कितना साल का है वो इंसान अभी?
30 गए ना इंटू 1 माइनस क्यू, 49 होगा। हाँ ठीक है, तुम लोग देखा नहीं ना, आई विल नॉट रिपीट। हाँ बोझ दिवांश, ये हो गया 1.5 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू, ये जो जिंदा रहने वाला है ये क्या है, तुमको 20p30 लेना है ना, और इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, अब ये दोनों ठीक है, ठीक अब नीचे इसका टोटल ले लेंगे। टोटल विल बी दिस प्लस सम ऑफ ये पूरा, ये हो गया मेरा एंडाउमेंट। अब इसके बाद एसेट का कर रहे हैं, मैच्योरिटी लिख देती हूँ, मैच्योरिटी बेनिफिट। एसेट ए में कूपन पेमेंट का अलग करेंगे एंड फाइनल पेमेंट जो मिल रहा है रिडेम्पशन का अलग करेंगे। तो कूपन कितने का मिल रहा है, कितने का ले रहे हम लोग एंड एसेट ए, 55,000 नॉमिनल है, 55,000 नॉमिनल एंड 105 पे रिडेम्पशन है, सो इसको कर दो 105 फिर बोला है 1% पर एनम हाफ ईयरली, तो कूपन पेमेंट कब से मिलना स्टार्ट होगा, 0.5 से। कहाँ है आपका 0.5, ये 0.5 से मिलना स्टार्ट होगा। कितना परसेंट का कूपन है, 1% का ना, तो आई विल टेक यहाँ पे 1% इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय 2 इनटू नॉमिनल इसका एब्सोल्यूट इनटू क्या करना होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर। ठीक है, एंड देन यू ड्रैग दिस पूरा एंड तक, क्योंकि कूपन आपको कब तक, कितने साल का ये, तो टाइम 20 तक, और उसके बाद रिडेम्पशन फिगर क्या है, 55,000 का 105%, इसको परसेंट में चेंज कर दूंगी मैं, इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। पक्का 20 साल का है, ठीक है, फिर इसका भी टोटल कर लूं। दिस प्लस ये पूरा, फिर एसेट बी और एसेट बी तुम लोग देख लो पहले,
रिडेम्पशन ही है उसमें तो, क्योंकि जीरो कूपन है। अरे तो कितने है उसका एसेट भी और नॉमिनल कितना है? जीरो कूपन बॉन्ड पेइंग 3 लाख इन 10 इयर्स टाइम, और दूसरा वाला इज 1202। ये पहला वाला हो गया आपका कितना साल के बाद? 10 इयर्स। तो 10th ईयर पे कैसे निकालेंगे इसका अमाउंट? इनटू और वो कितने साल के बाद है? 1 सेकेंड। हाँ तो यहाँ पे आ जाएगा। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में बोला है डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एंडोमेंट एंड टोटल एसेट्स। तो बेसिकली ये हो गया टोटल ऑफ एंडाउमेंट अश्योरेंस हो जाएगा ये वाला, विच इज एक्चुअली अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी इफ यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, ऑफ एसेट्स विच इज सम ऑफ ये तीन, देख लो। नॉट डिफिकल्ट। हाँ क्वेश्चन रीड करो। सेकेंड पार्ट वोलेटिलिटी निकालने बोल रहे हैं। वोलेटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू इनटू, हाँ तो क्या होता है? बोलो। फॉर्मूला कौन बताएगा? यस फॉर्मूला बोलो। डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट तो मेरे को भी पता है। इसको ना वो कर देते हैं एक बार फ्रीज, ताकि मेरे को इजी रहे समझाने में। हाँ बोलो। टी इंटू अमाउंट इंटू वी टू द पावर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू विच इज
अमाउंट इनटू वीटी। अगर अमाउंट्स गिवन है, ये जो सम है ना, ये सम करने के बाद तुम लोग का वोलेटिलिटी कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। क्या बोला है? टी इंटू वी टी प्लस वन इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इंटू वी टी। अमाउंट इंटू वी टी इज वॉट? प्रेजेंट वैल्यू ओनली। न्यूमरेटर इज वॉट वी हैव टू कैलकुलेट। अमाउंट गिवन है, वी टी प्लस वन निकालेंगे इंटू टी कर लेंगे तो न्यूमरेटर आ जाएगा इंडिविजुअली सबका। तो सबसे पहले देखो, इंडिविजुअली सबका वोलेटिलिटी निकालना होगा हम लोग को। तो लेट्स डू वन थिंग। ये सब प्रेजेंट वैल्यू था। यहाँ पे एक काम करती हूँ मैं, वापस ये वाला जो चीज है ना, इसको ठीक है, यहाँ पे वील टेक आउट वोलेटिलिटी। सेम एज व्हाट वी डिड यहाँ पे। सो ये मैं कॉपी कर लूंगी दोबारा, बट उसके पहले वी नीड टू कैलकुलेट व्हाट वी टू द पावर टी प्लस वन है ना। ये तो आपका वी टी था। अब देखो, वी टी टू द पावर प्लस वन कैसे निकालेंगे, पहले तुम लोग देख लो फिर करना। वन प्लस आई एब्सोल्यूट होल टू द पावर माइनस करके, हाँ बोलो, टाइम माइनस वन क्यू, माइनस वन क्यू, मैंने तो माइनस बार लिख लिया है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का, एन तक ले जाओ एकदम। अब डेथ बेनिफिट अगर समझ जाओगे तो एक एक करके सब समझ जाओगे। डेथ बेनिफिट देखो कहाँ से स्टार्ट करना है, 31 से, यहां से। तो डेथ बेनिफिट कैसे लिखेंगे? अमाउंट विच इज 1,50,000, 1.5 जो भी, इसको एब्सोल्यूट इनटू प्रोबेबिलिटीज ले लेंगे पहले, इनटू पहला वाला के लिए हो जाएगा पहला साल मरने का, कर लो एक बार के लिए एनीवेज। नहीं, पहला साल के लिए तो थोड़ा डिफरेंट ही रहेगा। फिर इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन सा, उसके बगल वाला, ये वाला बगल वाला, फिर हाँ तो एल ये तो होगा ना। फिर इनटू टी करना होगा, ठीक है। और एक चीज, अमाउंट ले लिया मैंने, ये होगा। एक बार मैं मैच कर लेती हूँ आंसर मेरा आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट वाला बताओ, नेक्स्ट वाला थोड़ा डिफरेंट होगा ना। नेक्स्ट वाला विल बी एब्सोल्यूट इनटू दिस वी टी टू टी पार टी प्लस वन बेसिकली मल्टीप्लाइड बाय जीने का। तो ये वाला इनटू वन माइनस ये लेंगे, ये वाला लेंगे, ठीक है। फिर इनटू टाइम टू, बस ये आ गया। अब इसको ड्रैग करना है, सेम चीज किया है।
क्यू 30 होना चाहिए, क्यू 31 होगा। अच्छा हाँ, ये वाला नहीं होगा, ये होगा। एक्चुअली मैं यहीं पे एडजस्ट कर देती, 3-2-1 करके फिर ड्रैग। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ रहे आंसर, फिर इन दोनों को पकड़ो और फिर ऐसे ड्रैग। कहाँ तक? 20 ईयर्स। 20 ईयर्स मेच्योरिटी बेनिफिट यहीं पे निकाल लो। मेच्योरिटी बेनिफिट इज 2 ये वाला अगर लेंगे, 1 माइनस दिस जो हमने अभी किया, Q19 या वॉट एवर, इंटू दिस टाइम डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी दिस। ठीक है, आंसर्स एक बार मैच करो तो, अगर तुम लोग के पास ओपन है तो। ये आ रहे क्या? अब सेम करो कूपन के लिए। कूपन के लिए क्या होगा? पहला कूपन 0.5 से स्टार्ट हो रहा है। कितने का कूपन है? दिस इंटू 1% बाय 2 इंटू, ये अमाउंट है, इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी दिस, बस इंटू टाइम। ठीक है, ड्रैग कहाँ तक? ऐसे टेक कब तक है? रिडेम्पशन, दिस इंटू 105 इंटू इंटू टाइम। आई यहां पे जीने मरने का कुछ लोगे? ये 0 क्यों आ गया भाई? कुछ गलत सिलेक्ट हो गया क्या? H2 क्या है? इंटू I2, ठीक है। L48, सेम एसेट बी का कर लो। इसमें 10th ईयर है, 10th ईयर में टाइम इंटू अमाउंट एसेट बी का, और थोड़ी कुछ लेना है, टी इंटू वी टी इंटू अमाउंट हो गया ना। और फिर दूसरा वाला नींद आ रहा है उसको। आंसर मैच हुआ? ठीक है, अब यहां पे टोटल ई हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल वोलेटिलिटी। निकाल देते हैं ना नीचे एक बार में, कि अलग से निकालना है, अलग से निकाल लो। चलो
यहाँ लिख लेते हैं, बुला यहाँ पे लिख लो, एक ही बात है, वोलेटिलिटी ऑफ लाइबिलिटी एंड वोलेटिलिटी ऑफ एसेट। तो लाइबिलिटी का वोलेटिलिटी क्या हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय एंडोमेंट अश्योरेंस इज अ लाइबिलिटी। एसेट है ना तुम्हारा, वो सब ये लाइबिलिटी तुमको पे ऑफ करना है, तो 18.17 आ रहे हैं। डीएमटी एंड वोलेटिलिटी सेम, गलत लिखा है इन्होंने, गलत लिखा है इन्होंने। कौन सा का? अच्छा हाँ, ये वाला अमाउंट होगा ऊपर वाला, सही। अभी इसको छोटा कर दो ना, और ये वाला हो जाएगा हमारा एसेट। तो फिर मैंने आई थिंक वहां भी G64, हाँ G60, नहीं ये सही लिया, 17 आ रहा है। वो डीएमटी बाय 1+ आए, अच्छा डीएमटी और वोलाटिलिटी सेम होता है ना। इसको अगर ट्राई तो करूं, देखो निकलता है कि नहीं, एक बार देखो ये निकलता है कि नहीं, फिर नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तुमको दिख रहा है इतना छोटा, मैं आप खराब हो गए। ओपन विल रिडेम्पशन, रिडेम्पशन ये निकले। हाँ अभी कंफ्यूजन हो गया,
चलो अभी मैंने कर लिया क्लैरिफाई सर से, टीएमटी एंड वोलेटिलिटी सेम नहीं होता है। टीएमटी तुम लोग फिर भी तो सम नहीं कर पाया, लैपटॉप ही बंद कर दी। टीएमटी ड्यूरेशन, मैकलोइस ड्यूरेशन जो भी तुम लोग बोलते हो वो सेम होता है। वो होता है, सुनो ध्यान से, टी इंटू वी टू द पावर टी इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इंटू वी टू द पावर टी। ये हो गया डीएमटी, डिस्कॉन्टेंट मीन टर्म। एंड एंड वोलेटिलिटी होता है टी इंटू वी टू द पावर टी प्लस वन इंटू अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट इंटू वी टू द पावर टी। दोनों का डिनोमिनेटर प्रेजेंट वैल्यू है, खाली एक नहीं, वी टू द पावर टी प्लस वन आया इसमें वोलेटिलिटी में, और डीएमटी में वी टू द पावर टी है। इट्स द मीन, मतलब इट्स एवरेज ऑफ द टर्म वेयर योर वेट्स आर द प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, तो यहां पे इसीलिए तुम लोग करते हो डीएमटी डिवाइडेड बाय वन प्लस आई गिव्स यू वोलेटिलिटी। तो तुम लोग यहां पे वैसे भी कर सकता था, बट क्योंकि क्योंकि सुन लो, क्योंकि यहाँ पे 0.5 मतलब मिडिल ऑफ द ईयर और वो सब भी हो रहा है, इसीलिए दिस अप्रोच इज बेटर व्हेन यू कैलकुलेट वोलेटिलिटी। हाँ, गलत हो जाएगा वो चीज, डिवाइड बाय वन प्लस आई करके देखना घर पे, एक बार ट्राई तो कर ही सकते हो ना तुम लोग। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है ना कि जो कूपन वाला टर्म्स है वहां, जैसे v टू दी पावर 0.5 में अपने कर रहे हैं v टू दी पावर 1 पर, हाँ आ सकते हैं आंसर, आई थिंक आंसर सेम आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, करके देखना एक बार, एक बार करके देख लेना। बट तुम लोग को क्लियर है अभी कि सेम नहीं होता है। वोलेटिलिटी इज बेसिकली 1% चेंज इन इंटरेस्ट रेट कितना चेंज लाएगा आपके प्रेजेंट वैल्यू में, उसके लिए वोलेटिलिटी लेते हो। और डिस्काउंटेड मीन टर्म मतलब एक मीन ऑफ टर्म जहां पे वेट्स आए हो प्रेजेंट वैल्यू, उसके लिए आप डीएमटी निकालते हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा, नहीं हुआ तो तुम लोग इसको बाद में कर लेना, एक बार समझ तो आ गया ना कैसे अप्रोच करना है, ट्राई करना खुद से करने का रादर देन वी टी टू द प्लस, इसका कुछ नहीं है फॉर्मूला, इसमें खाली आपको प्लस वन कर देना है। कौन सा वाला में, ये वाला का, ये वोलेटिलिटी वाले का है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन रीड करो, नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहे हैं, दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड, इसका नेक्स्ट पार्ट और डिफिकल्ट है। क्वेश्चन बोल रहे हैं, द कंपनी नाउ विशेस टू रीबैलेंस इट्स होल्डिंग्स ऑफ बी एंड सी सच दैट द पोर्टफोलियो इज इम्यूनाइज्ड अगेंस्ट स्मॉल चेंजेस। और कब इम्यूनाइज्ड होगा, जब दोनों का वोलेटिलिटी पीवी ऑलमोस्ट सेम है, वोलेटिलिटी पर डिफरेंट है। द होल्डिंग ऑफ एसेट ए विल रिमेन अनचेंज्ड, डिटरमाइन द न्यू होल्डिंग्स ऑफ बी एंड सी। अब तुम लोग बोलोगे गोल सीक कैसे लगाएंगे, मैम गोल सीक नहीं लगाना है, हमेशा गोल सीक नहीं लगता है। तो यहाँ हम लोग क्या अप्रोच करेंगे, ध्यान से सुनो, आपको दो इक्वेशन चाहिए। आपका पहला इक्वेशन क्या होगा कि आपका ध्यान से सुनना, आपका पहला इक्वेशन होगा दैट योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। एक बार सुन लो, देख लो तुम लोग जो नहीं भी किया है अभी तक, अगर मैं यहाँ ले लू लाइबिलिटीज, यहाँ मैं ले लू एसेट्स, ठीक है, पीवी इसका, इसका हम लोग इक्वल टू करके इधर जाते हैं और इसका अपने लाइबिलिटी का प्रेजेंट वैल्यू ले लेते हैं विच इज दिस, एंड एसेट का प्रेजेंट वैल्यू, पर एसेट में भी अब तीन एसेट है जो कि चेंज होंगे, जो कि चेंज होंगे, तो अपने काम करते हैं एसेट्स तीनों का अलग। तो ए लेते हैं, एसेट ए का पीवी क्या है, एसेट ए का पीवी है डो 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 ये वाला, तो ये आपका एसेट ए का पीवी आ गया। इसको मैं काम करती हूँ, दोनों को अमाउंट्स में चेंज करती हूँ ताकि वो इजीली समझ पाए, ठीक है। अब हम लोग को नॉमिनल अमाउंट दोनों का कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, तो नॉमिनल अमाउंट दोनों का जो निकालना है, बट हम लोग को मिल क्या रहा है, इट्स अ जीरो कूपन बॉन्ड,
तो हम लोग क्या ऐसे निकाल सकते हैं कि एसेट ए का, एसेट बी का, सॉरी इसको मैं ऐसे ड्रैग कर देती हूँ, एसेट बी एंड एसेट सी का लेट्स से सपोज नॉमिनल अमाउंट ले लेते हैं 1 रुपी, तो उसका क्या आप लोग निकाल सकते हो प्रेजेंट वैल्यू? हाँ बोलो। अगर मैं बोलूं कि आपका नॉमिनल अमाउंट 1 रुपी है तो तुम लोग निकाल पाएगा? डिस्काउंटिंग वी टू दी पार्ट 10, वी टू दी पार्ट 25, तो वी टू दी पार 10 एंड वी टू दी पार 25 यहाँ है, वी टू दी पार 10 एंड वी टू दी पार, ये क्यों कर रहे हैं समझो ना, क्योंकि वो हम लोग को निकालना है वो दो अमाउंट्स, तो दो अननोन दो इक्वेशंस बना सकते हैं। फॉर नॉ, इन लोग का ना बहुत डिफिकल्ट मेथड है, मैंने इजी किया है, फॉर नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाएगा, बी इंटू दिस सी इंटू दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस, एक इक्वेशन ये बन गया। तो अब तुम लोग इसको वो करो, और एक हम लोग को वोलाटिलिटी भी सेम रखना है, तो एक वोलाटिलिटी का ले लो, वोलाटिलिटी नहीं क्यों मिला हुआ एक साथ, वोलाटिलिटी अलग अलग भी तो निकाल ही सकते हैं यहाँ पे। लाइबिलिटी का वोलाटिलिटी क्या होगा? ये देखो ये वाला हो गया लाइबिलिटी का वोलाटिलिटी, वो तो एक ही है, वो अलग नहीं है, है ना। एक काम करो ना, न्यूमरेटर्स ले लो ना, डिनोमिनेटर्स क्यों लेना है तुम लोग को, न्यूमरेटर्स मिला दो, क्योंकि नीचे का समझो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एसेट इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, तुम लोग थ्योरी में जो करते हैं वो एक इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन न्यूमरेटर ऑफ वोलेटिलिटी बाय न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ, वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट वैल्यू है और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो दोनों तो सेम ले चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, तो वो क्या, तो न्यूमरेटर ही ले लेंगे, तो न्यूमरेटर ले लो, न्यूमरेटर ऑफ ये वाला, ठीक है, एसिड ए का हो जाएगा आपका ये वाला, एसेट बी का कैसे निकालेंगे क्या, 10 इंटू ऊपर वाला क्या है, वी टू दी पावर 11 करना है तुमको, हाँ या फिर जो यहां जाके वी टू दी पावर 11 ले लो, जैसे भी एक ही बात है, उसके बाद ये हो जाएगा 25 इंटू, कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा वो तुम बोल रहे हो वो नहीं मिलेगा, ठीक है ये ले लो, इट्स द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया तुम लोगों का हाँ, अब ये हो गया, अब मुझे बताओ, अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करना है इक्वेशंस, सो लेट अस डू वन थिंग, डो इक्वेशन हम लोग का ऐसा होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इक्वल्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बी प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी, ये एक हो गया, ये लिख दो वोलेटिलिटी ऑफ लाइबिलिटीज, ताकि एग्जामिनर को पता चले आप लोगों ने क्या किया है, ऑफ ए प्लस वोलेटिलिटी ऑफ बी प्लस वोलेटिलिटी ऑफ सी। अब इसमें इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, भाई मैं सोच रही हूँ कि सॉल्वर यूज करें कि नहीं, सब्स्टिट्यूट कर करके करते हैं, ठीक है वैसे करूं, ऐसे निकाल लो, इधर एक लाइबिलिटी तुम लोग कॉपी में, अगर एसेट ए तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, है ना, ये हो गया, इसका एक काम करते हैं,
अब क्या है इक्वेशन? दिस इक्वल्स टू बी इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस। तुम लोग अगर लिख रहा है इक्वेशन, लिख के मेरे को बता पाएगा तो मेरे लिए इजी रहेगा। तो फिर हम लोग का इजीली बी आ जाएगा और सी का वैल्यू आ जाएगा, अगर तुम लोग मेरे को लिख के बताएगा तो। नहीं मैं टाइप नहीं करूंगी, इक्वेशंस बताओ ना सीधा। दिस दिस इक्वल्स बी इनटू दिस प्लस सी इनटू दिस, अगेन दिस इक्वल्स बी इनटू दिस सी इनटू दिस। तो सॉल्व करके बताओ ना कैसे करेंगे, बी का कैसे निकालेंगे वैल्यू। बी इक्वल्स टू बोलो, इंटू सी क्या लिखेंगे? तुम लोग छोड़ो, अच्छा इन लोग बहुत अजीब से किए है। ठीक है चलो गोल सीख करते हैं। बी को एक बार बोले लो, बी को 100 ले लो। अब बोलो ये वाला, दो इक्वेशंस को तुम लोग माइनस कर रहे हो ना, ठीक है माइनस दिस। ठीक है ठीक है, अब एक सेकेंड रुको ना यार, एक सेकेंड रुको, तुम लोग बेवकूफ है, तुम लोग कोई लिख नहीं रहा है। एक बार लिखो और दो इक्वेशंस कैंसिल आउट करो, अपने आप बी का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा सुनो, पेन पेपर का भी जरूरत नहीं, विजुअलाइज करना आता है, विजुअलाइज करते हैं। देखो दिस इक्वल्स बी इंटू दिस प्लस सी इंटू दिस, दिस इक्वल्स बी इंटू दिस सी इंटू दिस, है ना? ये हो गया। अब अगर दोनों इक्वेशंस को अपने माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो भी बी एंड सी का वैल्यू आएगा।
बट अगर हम लोग ऐसे इस तरीके से माइनस करें, लेट्स सपोज ऐसे करो, ध्यान से सुनना, इसको कांस्टेंट रख के इस वाले इक्वेशन में लेट्स मल्टीप्लाई दिस एंड डिवाइड बाय दिस इन पूरा इक्वेशन, तो उससे सी वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, खाली बी बचेगा। समझ में आएगा? देखो तुम लोग लिख के करोगे तो आई गेस इजी रहेगा, लिख के ग्रुप में भी हम लोग भेज सकते हैं। ध्यान से सुनना, दिस इक्वल्स, तुम लोग जैसे करते हो, अगर मैं बोलू टेन, हाँ कॉपी में देखो, टेन इक्वल्स 2x, ध्यान से सुनना, टेन इक्वल्स, छोड़ दो, टेन इक्वल्स 2x+2y है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फिर एक है 15 इक्वल्स 3x+3y। अब दोनों को माइनस करने से एक्स वाई तो बचेगा ही ना, तो इंस्टेड क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में इंटू, पूरे इक्वेशन में इंटू 2/3 कर देंगे। हाँ तो एक आपका, मतलब मैंने सेम सेम ले लिया 2 2 एंड 3 3, बट अगर वो डिफरेंट होता तो एक वाई तो कट गया ना, खाली एक्स बचा, आ गया एक्स का आंसर, वो करना है मुझे इधर। तो अब क्या करना है सुन लो, इतना बोलो मत, इतना बात नहीं सुनना मेरे को। दिस माइनस दिस, बट इसमें हम लोग इन दोनों को वो कर देंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तुम लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला है? अगर समझ में आ गया तो अब हो जाएगा, ये हो गया, ये पूरा ये चीज माइनस हो गया, ठीक है। हम लोग बेसिकली एसेट सी को कैंसिल कर रहे हैं, ठीक है। अब एसेट बी वाला जो पार्ट है, एसेट सी कैंसिल हो गया, हाँ, डिवाइडेड बाय आपका इसमें क्या बचा, दिस माइनस दिस इनटू अगेन दिस बाय दिस, ये आपका आ गया बी का आंसर, देख लो। अब बी आ गया तो सी बहुत सिंपली आ जाएगा। सी कैसे सिंपली आ जाएगा, एसेट ए माइनस लाइबिलिटी माइनस एसेट इनटू दिस इनटू दिस, ये पूरा चीज, ये मुझे कब से तुम लोग से सुनना था, मैच कर लो आंसर्स। तुम लोग कॉपी में भी तो ऐसे ही करता है ना, दो इक्वेशंस रहता है तो तुम लोग उसको ऐसे ही माइनस थोड़ी कर देते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके माइनस करता है ना। हो गया क्लियर? सिमिलरली सी को निकाल के बी भी निकाल सकते थे, उल्टा भी कर सकते थे, तो ये पूरा हो गया। अब इसके बाद वाला बोल रहे, डेमोन्स्ट्रेट दैट रेडिंगटन्स कंडीशन फॉर इम्यूनाइजेशन आर मेट विथ होल्डिंग दीज न्यू एसिड्स। अब इम्यूनाइजेशन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है? अब इस क्वेश्चन में ना ये कितने मार्क्स का है, 17 है, तो इसका तो ऑब्वियसली हम लोग को, मैं बता रही हूँ कितना मार्क्स मिलेगा इसका, हम लोग को मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अराउंड। तो बाकी पूरा जो 9 10 मार्क्स है या जितना भी है वो पूरा पार्ट बी में है। और रेडिंगटन्स के लिए अब आपको सेम चीज करना है जो आपने यहाँ किया, तो इसका पूरे का कॉपी करेंगे, पूरे का कॉपी करेंगे, एंड खाली बस कुछ नहीं करना, इतना फूफू मत करो, पूरा कॉपी करके खाली ये नॉमिनल अमाउंट चेंज करते हैं, खाली ये नॉमिनल अमाउंट चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। तो अपने आप पीवी मैच हो जाएगा, अपने आप लोग का वोलाटिलिटी मैच हो जाएगा, और थर्ड कंडीशन क्या होता है इम्यूनाइजेशन का, तो कॉन्वेक्सिटी खाली बस एक्स्ट्रा निकालना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। सो एक चीज करते हैं खाली, फिर हम लोग ब्रेक के बाद करेंगे, तुम लोग इतना फूफू मत करो। ऑल टी एम इसका कॉपी कर लेते हैं इस शीट के आगे। आय हाय, ओ इसका भी मुझे शॉर्टकट ढूंढना पड़ेगा, क्या है इसके पहले डाल दो। अब इधर पे खाली बस ये जो आपका वैल्यूज था एसेट बी का ले लेंगे अपने यहां से, एंड एसेट सी का ले लेंगे अपने। अब एक बार नीचे जाएंगे और चेक करेंगे, देखो पूरा सेम, एंड वोलेटिलिटी इज आल्सो सेम। अब बस कॉन्वेक्सिटी निकाल लो,
कितना अच्छा फील हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो पता नहीं फिर क्या करेंगे तुम लोग को अच्छा फील कराने के लिए। तुम लोग को पर यहाँ पे लिख देना रेडिंगटन फर्स्ट कंडीशन, रेडिंगटन सेकंड कंडीशन। कॉन्वेक्सिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टी इंटू वी टू द पावर इंटू टी प्लस वन वी टू द पावर टी प्लस टू इंटू अमाउंट। तो अब हम लोग को क्या करना है, सेम चीज यहाँ की जैसा, बस टी प्लस टू वी टी प्लस टू निकालना है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम होगा। ठीक है, ये तुम लोग अब खुद से कर सकते हो। उसके बाद वाला क्वेश्चन है एक्सप्लेन विदाउट परफॉर्मिंग एनी फर्दर कैलकुलेशंस हाउ द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी विल चेंज। तो ब्रेक का जरूरत नहीं है, ब्रेक के पहले ही कर लो, फिर नया सम करेंगे स्टार्ट। अरे अच्छे से आराम से ब्रेक मिलेगा ना तुम लोग को, मैथ है 1 घंटे का, 25 मिनट्स का। कॉफी तुम लोग पीता क्यों है? चाय पियो, चाय वो पुराना चाय, सुबह का चाय सलटा देंगे, सुबह का चाय वो सलटा देते तुम लोग को, इसीलिए चाय पीना छोड़ दिया मैंने। उधर सुबह का चाय को गर्म करके तुम लोग करो, बहुत अच्छा, मन में बहुत अच्छा फीलिंग आएगा, खुशी वाला। मेरा आंसर आ गया, देखो अगर समझ समझ के अपने करेंगे ना, सोचो ये सितंबर, हाँ सोचो, तुम लोग को सारा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पर तुम लोग को मिल जा रहा है। अब तुम लोग को हर चीज में चिक 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 करना है तो क्या बोलेंगे बताओ? ये हो गया, इसको पूरा नीचे तक ड्रैग कर दो। एक काम करते हैं ना, इसमें एब्सोल्यूट ये सब तो किया ही होगा हमने, नहीं कर देते हैं। सुनो देखो, इसमें काम करो ना, अमाउंट खाली आपका एब्सोल्यूट है, ठीक है, उसके बाद ये डी वाला को ना ये कर दो, कॉलम एब्सोल्यूट कर दो, एल वाला क्या था, एल क्या था, एल टेन, अच्छा वो तो ये चेंज होगा, और ए वाला, ए का ये चेंज कर दो। अब एक काम, अरे सेम इसके लिए करते हैं अपने, इसका एल का, एल कुछ नहीं, ई को अपने कॉलम एब्सोल्यूट कर देते हैं, ई का, टी का कॉलम एब्सोल्यूट कर देते हैं, इसका भी, द रीजन बीइंग आई विल जस्ट कॉपी दिस टू वहां पे जाके इधर। अब इसमें देखो क्या क्या चेंजेस है, F2 इज द अमाउंट, D8 इज दिस मरने का, S10 इज दिस, V टू द पावर, और ये इसमें खाली हम लोग को T प्लस वन करते हैं ना कॉन्वेक्सिटी में, प्लस टू कॉन्वेक्सिटी T इंटू टी प्लस वन होता है, ये हो गया। सिमिलरली यहां पे भी प्लस वन हो जाएगा, दो, 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 ठीक है, इसको कहां तक ड्रैग करना है? सेम इसके लिए करो, H2 आई, ये तो रिडेम्पशन वाला फिगर है, F2 देखा ये होता है, क्या होता है, थैंक्स, कुछ स्मार्टनेस नहीं है, भूख लग रहा है मेरे को भी अब, इसीलिए बस मेरे को ठीक है, बस गिव अप नहीं करना है हम लोग को, मेरे को आंसर्स भी मैच करने हैं, कीर्ति आंसर्स मैच कर दो, खाली इतना काम कर दो हम लोग के लिए, इतना छोटा सा काम कर दो हम लोग के लिए।
हिती हुआ मैच। मैं कुछ गड़बड़ हो गया, रुको ना। यहाँ पे कहाँ बोलो तो, इधर किया तो टी प्लस वन। अच्छा माइनस वन कर दिया मैंने भूल से। हाँ इसमें प्लस वन। अब मैच कर, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ टीम टू नहीं किया, टीम टू नहीं किया इनटू थ्री। सही बोला एकदम, पर दीवान जी एकदम सही बोला मतलब। अरे यार अब एक बार मैच करो तो। अरे अब करेक्ट है पूरा, तुम्हारा आँख खराब है। सही है अभी, नहीं सही है, ऐ गलत नहीं कराना है। अब इसमें क्या क्या एब्सोल्यूट होगा बोलो। कॉपी कैसे सब आलसी हो गए एकदम। पेस्ट ड ड एस इनटू टाइम प्लस वन, ठीक है प्लस वन इनटू टाइम भी कर दिया मैंने। कीर्ति मैच करो, ये खाली एक चुको चेंज हुआ है जो कि गलत हो गया है। H48 क्या है पता नहीं, तो ये नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको मैंने नहीं किया था। दिस इनटू दिस प्लस वन, देखो तो। ऐसे टेक का टोटल मैच करो। L28 क्या है, ठीक है वो नहीं करना, इसको एब्सोल्यूट करना है। कंट्रोल सी एसिड बी में जाके पेस्ट, इसमें अपना ये हो गया वो हो गया इनटू एसिड बी का मैच करो तो। हाँ ऐसा नहीं मैच हुआ। लेट्स चेक दैट। एसिड बी 271 है क्या, देखो तो। नहीं नया अमाउंट क्या, नहीं है दिस इनटू दिस इनटू वी टू दी पावर 2+1 इनटू ए इनटू ए प्लस वन। हाँ सही है। और ये होगा आपका 25 पे ना। टाइम
इंटू टाइम प्लस वन इंटू ये जो ऊपर में अमाउंट है ये वाला, ये है ना, इंटू वी टी प्लस ये वाला मैच हुआ क्यों? वो क्यों नहीं हो रहा है फिर? ये वाला तुम बोली वन, ये नहीं मैच हो रहा है। मारो अब उसको। अब ये वाला हो जाएगा दिस, सम ऑफ दिस वोलेटिलिटी, कॉन्वेक्सिटी कैसे निकालते हैं? डिवाइडेड बाय एसेट का दिस डिवाइडेड बाय एसेट का ज्यादा आना चाहिए। हे भगवान, अब तुम लोग कैसे करोगे? तुम लोग कर लोगे। चलो, सो विद दिस लास्ट पार्ट विदाउट परफॉर्मिंग हाउ द रिलेटिव वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी विल चेंज, तो अब बोलो कैसे बोलोगे इफ द, कैसे इसका आंसर कैसे दोगे? इफ देयर इज अ स्मॉल, अगर डिक्रीज है, इंटरेस्ट रेट अगर डिक्रीज होता है तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बोथ इंक्रीज होगा, ठीक है, बट द इंक्रीज इन एसेट विल बी हायर देन दैट ऑफ, क्योंकि कॉन्वेक्सिटी ज्यादा है। सो एज द कॉन्वेक्सिटी ऑफ एसेट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लाइबिलिटी, पहले तुम लोग लिखोगे अगर लाइबिलिटी, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है दोनों का पीवी बढ़ेगा। अब पीवी बढ़ने से हम लोग को दिक्कत है ना, पीवी बढ़ने से हम लोग को दिक्कत है, सो कॉन्वेक्सिटी इज ग्रेटर फॉर एसेट देन लाइबिलिटी, देन द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल राइज मोर by the value of liabilities. This is a greater positive contribution from the convexity term in the present value of assets than present value of liability. This only holds true agar aapka there is very very small change in interest rate. ठीक है, इसको तुम लोग घर जाके बनाओगे, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ। We'll take a half an hour break and we'll start with the next two questions. ठीक है, क्या ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, कहीं नहीं जाना है। मैम एक बार ए का सी का दिखाओ ना फॉर्मूला। ये आप अपना वो करो, सोल्यूशन से देखो, अब सोल्यूशन में सेम है, ठीक है? ओके।